एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी करतूत पर कर सकते हैं हमला। दुशांबे में एस जयशंकर ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। अफगान संकट के बाद पहली बार आमने सामने होंगे मोदी, जिनपिंग और इमरान। क्या होगी बात? शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 एससीओ सम्मेलन में। ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक कुछ देर बाद दुशांबे में शुरू होने वाली है। पीएम मोदी एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की इस बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी का संबोधन 11 बजे से 1:30 बजे के बीच कभी भी हो सकता है। एससीओ सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी सीधे तौर पर तालिबान का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि पीएम पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलेंगे। पाकिस्तानी जमीन से चलने वाले आतंकी संगठनों को दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता सकते हैं। इसके अलावा पंजशीर घाटी में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले का मुद्दा भी पीएम उठा सकते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान एससीओ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दुशांबे में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस बैठक में तालिबान, अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन समेत 8 स्थायी देश हैं। दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान बीते 2 दशकों में हुए कामों की समीक्षा होने के आसार हैं। दुशांबे में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, हमने बॉर्डर एरिया में डिसएंगेजमेंट पर चर्चा की। क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए इस संबंध में प्रगति आवश्यक है, जो दोनों देशों के संबंधों के विकास का आधार है। अफगानिस्तान संकट के बाद पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और ये नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। ये सबसे बड़े अंतरक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके एजेंडे में एससीओ शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान का एजेंडा सबसे ऊपर है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के अपने समकक्षों को संबोधित करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान का मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एससीओ की शिखर बैठक में सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति एवं अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए दुशांबे पहुँच गए हैं। एससीओ इस वर्ष अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में यह शिखर सम्मेलन खास होगा। इस दौरान पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में सहयोग की संभावना पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।